हेलो दोस्तों, मैं मुकीम सैफी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकीम सेवा में, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल कैसे रूट कर सकते हैं, वो भी बिना पीसी के। वीडियो शुरू करने से आपको बता दूं दोस्तों, तो ये वीडियो हमें भेजी है सुजीत कुमार जी ने, जिनका चैनल है सीखना जरूरी। उन्होंने हमें ये वीडियो भेजी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने हमसे ये पूछा था कि अपना मोबाइल कैसे रूट करते हैं। तो सुजीत कुमार जी ने हमें ये वीडियो भेजी है, तो आप ये वीडियो देखिए और जानिए कि अपना फोन आप कैसे रूट कर सकते हैं, वो भी बिना पीसी के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने फ़ोन को रूट करने के लिए आपका मोबाइल सबसे पहले तो 50% या उससे ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है किंग रूट APK। दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा मोबाइल अभी रूटेड है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको रूट चेकर के जरिए ये चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं पहले ओपन कर लेता हूँ इसे। दोस्तों, ये मैंने अभी पहली बार ओपन किया है तो इसलिए ये ऑप्शन आया है, अदरवाइज ये ऑप्शन आता नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वेरीफाई रूट स्टेटस का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने मैसेज शो कर दिया है कि ये डिवाइस अभी रूटेड नहीं है। दोस्तों, ये मेरा माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, तो इसे कैसे रूट करना है अब हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किंग रूट इंस्टॉल कर लेना है। ये आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये ऐप उपलब्ध नहीं है दोस्तों, तो मैंने इसे अभी फर्स्ट टाइम ओपन इंस्टॉल ही किया है, तो तभी ये ऑप्शन आ रहे हैं, इनको आपको स्किप कर देना है नॉर्मली तरीके से। और जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, जिसमें आपको ये जो बीच में सर्कल सा दिख रहा है जहाँ पर रूट लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और आप देख सकेंगे यहाँ पे कुछ परसेंटेज से चालू हो गए हैं चलना। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस ऐप का कोई भी एक सेम तरीका नहीं है मोबाइल को रूट करने का, ये हर बार बदल जाता है। दोस्तों, इससे पहले जब मैंने अपना फ़ोन रूट किया था तो ये 100% पे जाके फ़ोन अपने आप रिस्टार्ट हो गया था, और उसके बाद जब मैंने इसे रूट किया था तो ये बीच में ही अपने आप लगभग 50% पे जाके फ़ोन रिबूट हो गया था और मेरा फ़ोन रूट हो गया था। तो दोस्तों, देखते हैं इस बार क्या होता है। चलिए, परसेंटेज चालू है। दोस्तों, ये वीडियो मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई भी बीच में पॉजिंग वगैरह नहीं की गई है, जिससे आपको ये लगे कि मैंने कोई किसी दूसरे ऐप के जरिए किया है। तो आप दोस्तों टाइम के जरिए भी देख सकते हैं कि ऐप में इस ऐप को रूट करने में कितना समय लगता है। इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों, ये कितना समय लेता है। वैसे तो नॉर्मली ये 100% तक जाता है। हाँ दोस्तों, इस ऐप के बारे में एक और बात बता दूँ। तो दोस्तों, ये सभी मोबाइलों को रूट नहीं कर पाता है, कई लोगों की शिकायत होती है कि किंग रूट काम नहीं करता है। दोस्तों, ये काम तो करता है, बट ये सभी मोबाइलों में काम नहीं कर पाता है। अब इसके अंदर क्या बग है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने अपना मोबाइल इसके जरिए 2 बार रूट कर चुका हूँ, और इसके अलावा एक मोबाइल और रूट किया है मैंने, तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐप काम करता है। 20% हो गया, 21। चलिए देखते हैं कितना इंतजार करवाता है हमसे। ट्वेंटी थ्री परसेंटेज हो गए दोस्तों। और शिट, देखिए दोस्तों, ये फिर से बीच में ही बंद हो गया, तो मैं दोबारा इसे ओपन कर लेता हूँ। ये एक इस बार कुछ नया ही हुआ इस ऐप में। चलिए देखते हैं हमारा फ़ोन रूट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, अभी दोबारा ओपन करने पे यहाँ पे चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए 23 यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है। तो मैं सिंपली फिर से इस पर, यहाँ ओके आ रहा है ऊपर, ओके करके फिर से इसी पर ओके कर देता हूँ। देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ये देखिए, फिर से ओके किया है, और यहाँ पे दोस्तों फिर से प्योरीफाई कर रहा है दोस्तों, ये किसने कितना काम कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो इंतज़ार करते हैं फिर से।
ये देखिए दोस्तों अभी ये कंप्लीट हो चुका है और आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब आपको इस ऐप को स्विच कर देना है, यानी मिनिमाइज़ कर दीजिए। पहले मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, बैक करके एग्जिट हो जाए और रूट चेकर से चेक करके दिखा देता हूँ। हालांकि दोस्तों इस बार मेरा मोबाइल अभी तक रीस्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं ये रूट हुआ है कि नहीं। दोस्तों वैसे अक्सर फ़ोन तो रिस्टार्ट हो, ये लीजिए दोस्तों रिस्टार्ट हो चुका है दोस्तों मेरा मोबाइल फिर से, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा मोबाइल रूट हो चुका होगा। जब तक चालू होता है हम इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों रूट करने के आपको कई सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। दोस्तों रूट करने पे आप अपने मोबाइल का जो बूट एनिमेशन है वो चेंज कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल की जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आती है मोबाइल में उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके काफ़ी फ़ायदे हैं और दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि आपके मोबाइल की वारंटी ख़त्म हो जाएगी अगर आप अपने मोबाइल को रूट करते हैं, और दूसरा ये भी कि ये जो आप रूट करते हैं और उस दौरान बीच में अगर आपका फ़ोन बंद हो जाता है तो चांसेस हैं कि आपका फ़ोन डैमेज भी हो जाए, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों मेरा फ़ोन अब रिस्टार्ट हो चुका है, तो अब हम रूट चेकर के जरिए चेक कर लेते हैं कि ये रूट हुआ है कि नहीं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ रूट चेकर। थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों, ये अभी फ़ोन थोड़ा हैंग करता है दोस्तों, और फ़ोन वैसे भी अभी चालू ही हुआ था और मैंने तुरंत इसे ओपन कर दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब मैं इस पर क्लिक करूँगा वेरीफाई रूट पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन तभी आता है जब आपका मोबाइल रूट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों मेरा मोबाइल अब रूट हो चुका है। तो देखा दोस्तों किंग रूट के जरिए हमने कैसे अपना मोबाइल रूट किया। ओके दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी नए अपडेट मिल सके, और अब आप मुकेश सेवा को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।